विज्ञान की तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी एक ऊंची छलांग लगाते हुए चंद्रयान 2 को चांद पर भेजा था, ताकि हमें चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। और दूसरी ओर दुनिया भर के वैज्ञानिक हमारी पृथ्वी के जैसा कोई और ग्रह खोज रहे हैं, इसलिए उन्होंने अनेकों ग्रह की खोज की, पर हमारी अनोखी पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह खोज पाने में सफल नहीं हुए। लेकिन नासा की दूरबीन केपलर ने सन 2015 में K2-18b नाम का एक ग्रह खोजा था, जो अपनी पृथ्वी से 110 प्रकाश वर्ष दूर है। वैज्ञानिकों ने केवल पहले ही इस ग्रह के बारे में बताया था कि शायद यह ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह बात दावे के साथ कही है कि इस ग्रह के वातावरण में पानी पाया गया है। K2 ग्रह अपने बोने तारे के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। हमारे तारामंडल के अलावा अन्य तारामंडल में केवल यही एक ग्रह है जो अपने तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इसको सुपर अर्थ का नाम भी दिया गया है। अभी तक के मिले सभी ग्रहों में बस यही एक ग्रह है जिसका तापमान हमारी पृथ्वी से मिलता जुलता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह का तापमान -40 डिग्री के बीच का हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एक शोध दल ने यह दावा किया है कि अपने सौरमंडल के बाहर पृथ्वी के जैसा दिखने वाला केवल एकमात्र यही एक ग्रह है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह के कुछ और पहलू भी हमारे सामने रखे हैं। उन्होंने कहा कि यह ग्रह पृथ्वी से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन इस ग्रह में और हमारी पृथ्वी में फिर भी काफी असमानताएं हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह ग्रह पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन जिस तारे के यह चक्कर लगाता है वह तारा बहुत ही छोटा व धुंधला है, जिस कारण K2 ग्रह पर प्रकाश कम आ पाता है। अगर हम इस ग्रह के तारे से K2 ग्रह को देखें तो इस ग्रह का केवल एक हिस्सा ही हमें दिखाई देगा, जैसे हमें चांद दिखाई देता है। मतलब यह है कि K2 ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। इस ग्रह का तारा बहुत ही हल्का है, तो शायद इसके तापमान का घटना और बढ़ना बहुत ही तेजी से होता होगा। अभी तक वैज्ञानिकों को इसके वातावरण में ही पानी मिला है, लेकिन वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इस ग्रह की सतह पर भी हमें पानी तरल रूप में जरूर मिल जाएगा। K2 ग्रह हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है, इसके बारे में अभी तक सभी आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई है। हमें ज्यादा जानकारी के लिए और बड़ी दूरबीनों की जरूरत पड़ेगी, तभी हम इस ग्रह को अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। लंदन यूनिवर्सिटी के एंजेलोस सियारस कहते हैं कि पृथ्वी से अलग किसी ग्रह पर जीवन की संभावना बेहद रोमांचकारी है, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा कि K2 को हम दूसरी पृथ्वी नहीं कह सकते, वहाँ का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से काफी भारी है। इस ग्रह की खोज हमें इस सवाल के काफी करीब ले आती है कि हमारी पृथ्वी सबसे अनोखा ग्रह है। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि K2 ग्रह हमारे सौरमंडल के बाहर एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की उम्मीदें जताई जा सकती हैं। फिलहाल इस ग्रह के बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। धन्यवाद।